You're watching Newstainment Television. क्या बात है दादा, अच्छा हुआ वो तो आपने मेरे को रीजन बता दिया, वरना मैं तीन तीन इंडिपेंडेंस मूवमेंट आपको फेंक के मारने वाला था एक साथ। और क्योंकि वहां पे बारिश शुरू होने वाली है जस्ट, तो कैसा दिख रहा है दादा? बहुत ज्यादा कुछ खतरे की बात तो नहीं है अभी वहां पे, एटलीस्ट आपके घर के आसपास? शुरू तो नहीं, बरसात शुरू हो चुकी है। अच्छा। और इनफैक्ट सुबह आज 12:30 से ही धूम के बरसात थी मुंबई में। अच्छा। बरसात ऑब्वियसली टाइफून है तो इट्स नॉट अ जोक। मतलब ये हवा चल रही है और लोगों के यू नो छपरे उड़ रहे हैं, पेड़ गिर रहे हैं, नुकसान भी हो रहा है। सो इट्स बीन मतलब पिछले साल भी ऐसा आया था लेकिन इतना इंटेंस नहीं था। आई थिंक दिस बार काफी इंटेंस है। और पानी की बूंदे भी आपके यहाँ तो मैंने देखा है, एक्सपीरियंस किया है। इनफैक्ट टाउन में काफी मतलब वहाँ पे नुकसान होता है, नहीं छपरे वगैरह उड़ जाते हैं। और हाँ आई मीन मुंबई इज नॉट doesn't need to be prepared with so much of wind, मतलब इतनी हवा नहीं आती है मुंबई में। अच्छा। अब यू नो हाँ मतलब टाइफून आई थिंक ये पिछले 10 साल में दूसरा या तीसरा शायद है। बट एज आई वाज सेइंग कि हाँ मुंबई इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर सच काइंड ऑफ यू नो विंड्स एंड एवरीथिंग, सो आई थिंक लोग तैयारी नहीं करते हैं। बट अभी नौ दर्ट भी लगता है कि हर साल आने वाला है, अब इसके लिए भी हाँ प्रिपेयरेडनेस रखनी पड़ेगी। मतलब एब्सोल्युटली। बट या आई मीन आई वाज वाचिंग बीएमसी का हेडक्वार्टर्स एंड उनका वो कंट्रोल सेंटर एंड ऑल दैट, तो वही दे आर अंडर कंट्रोल एंड काफी मतलब तैयारी अच्छी कर दी उन्होंने। एंड द मोर प्रिपेयर्ड वी आर द बेटर वी कैन फेस इट। बिल्कुल दादा बिल्कुल। यहाँ भी इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि वो जो कोई भी है चीफ एग्जीक्यूटिव हैंडलिंग रेनिंग एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट, मुझे लग रहा है ही हैज लॉस्ट इट। पिछले 3-4 सालों में मैंने इतनी बार ये बोला है आपको कि कुछ उसको समझ रहा नहीं है कैसे हैंडल करना है मौसम को। और एक रीजन उसका हमने कई बार बात किया है कि जो अभी लॉकडाउन में जो बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद रही है, प्रदूषण कम हो रहा है, उसकी वजह से भी पता नहीं एटमोसफेयर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने ऐसा मई का मौसम कभी नहीं देखा है जैसा यहाँ मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं। मई का मौसम मीन्स गर्मी, और गर्मी भी ऐसी गर्मी जिसको हम कह सकते हैं कि ड्राई गर्मी, जिसमें कूलर बहुत अच्छे काम करते हैं, उसमें एयर कंडीशनर से ज्यादा कहीं यहाँ पे अभी भी चलन है कूलर चलाने का। इनफैक्ट नागपुर में भी मैंने देखा है कूलर का काफी ज्यादा चलन है, क्योंकि गर्मी होती है ड्राई होता है तो उसमें जो ठंडी ठंडी कूलर की हवा होती है वो ज्यादा फायदा करती है। पर अभी हम मिडिल ऑफ मई है और यहाँ पे 3 दिन से ज्यादा पूरा ओवर क्लाउडी कंडीशन है, बादल आए हुए, भयंकर उमस हो रही है। आज तो इनका 11-12 बजे से ऐसी उमस है अभी भी, क्योंकि पानी गिरना है असल में, वो गिर नहीं पा रहा है। प्रेशर बना हुआ है, गिर नहीं पा रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो उमस है इतनी ज्यादा उमस है दादा कि ऐसी मई में हमने कभी, क्योंकि अभी दादा एक गर्मी का सेशन बचा है, अगर यहाँ से अभी सीधे बारिश शुरू हो जाए तो ये एक्चुअली जून वाले हालात अभी बन गए। जून के एंड में होता है जब प्री मानसून शावर्स वगैरह शुरू होते हैं यहाँ पे, वो अभी बन गया है। और आज सुबह तो इतनी बुरी उमस थी भाई कि ताजा दूध 10 मिनट में दही बन जाए और 10 मिनट में दही दहीसर बन जाए, इतना इतना ज्यादा उमस कभी एक्सपीरियंस नहीं किया दादा। यस वेदर हैज बीन लिटिल वियर्ड सिंस लास्ट कपल ऑफ इयर्स, बट यू नो नेचर ने हमें बता दिया है कि अभी काम धाम नहीं है, घर पे बैठे हुए ना और ज्यादा कुछ है नहीं करने के लिए, तो ज्यादा टची भी हो रहे हैं वेदर को लेके कि अरे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो काम में जब लगे रहते हैं तो कहाँ पता चलता है। पानी में भी काम, ठंड में भी काम, बारिश में भी काम, सब में काम। हाँ पर लकीली सब घर पे हैं, लोग ट्रैवल कम कर रहे हैं तो यू नो एटलीस्ट एवरीबॉडी इज एट होम सेफ। बहुत बढ़िया। और दादा क्या लेटेस्ट आपको आज क्या समझ में आया, क्या हो रहा है? क्योंकि देखिए मैं दादा थकान भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ठीक है, और इसका रीजन ये हो सकता है कि मैं अभी 3-4 दिन से बहुत ही ज्यादा एक्टिव हूँ और बहुत ज्यादा दिमाग में चीजें चल रही हैं, इतने सारे लोगों से मुलाकात हो रही है फेसबुक पे इतने साल के बाद, तो इट इज ओवरवेल्मिंग। थकान है आंखों में भी, यानी मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे थोड़ा सा टायर्डनेस हो, फटीक जिसे कहते हैं हम, और हम लगातार कर भी रहे हैं, वी हैव नॉट टेकन अ ब्रेक, हम लगातार काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और अपने अलग जो हमारे काम कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं बताना चाहता हूँ इसी मौके पे कि हमारा प्लान भी है और ये हमारा हॉबी है कि क्योंकि हम मीडिया से रहे हैं। क्योंकि आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटेंस अपना ऑब्जर्वेशन शेयर करने वाला हूँ और मुझे लगता है कि वो सबको जानना जरूरी है। तो हमारे लिए तो ये हॉबी है, हम इसे मजे के लिए करते हैं, प्रेम के लिए करते हैं और हमारा बात जो होता है वो आप तक पहुंचता है। बट द पॉइंट इज दादा, मैं जो आपको कह रहा था कि आज जो थकान हो रही है उसकी वजह से आई वॉज थिंकिंग कि आज का हम शो ना करें, हम कल करें।
और मैंने सोचा था कि अगर आप मानोगे नहीं सीधे सीधे तो मैं एक साथ आपके ऊपर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट, मैं तीनों एक साथ मारने वाला था आपको। लेकिन फिर जैसे ही आपका फोन आया ना तो फिर से ऊर्जा आ गई, वरना मैं ये भी डिमांड आपके सामने रखने वाला था कि या तो तमन्ना भाटिया या ब्री लार्सन या काजल अग्रवाल या डकोटा जॉनसन, किसी एक को लेके आओ शो पे तो ही बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा। तो फिर मेरे को समझ में आया अभी इतना भाव अपना है नहीं, तो फिर मैंने शांति से बोलना शुरू कर दिया कि जैसे हम शो पे बात करते हैं। मैं आपको ऑब्जर्वेशन इसलिए देना चाहता हूं दादा क्योंकि न्यूज में ज्यादा कुछ है नहीं, थैंक गॉड, इतना ज्यादा नेगेटिव कुछ आज भी दिखा नहीं है मुझे, चीजें ठीक हो रही हैं। पर ऑब्जर्वेशन मेरा यह है दादा, इस पर मैं आपका एनालिसिस चाहता, नाभिका जी आपको इसका एनालिसिस करना चाहिए, बिल्कुल आपका इसका एनालिसिस चाहिए। छह साल के बाद फेसबुक पे जाने का एक फायदा ये हुआ कि मैं लोगों को बहुत समय के बाद मिला, उसमें बहुत सारे लोग मीडिया के अभी भी वहीं वहीं हैं जहां जहां वो काम कर रहे थे, कईयों ने प्रमोशन लिया है, कईयों ने वहीं जगह पे है, और फिर एक ऐसा लॉट भी है दादा जो अपने जैसे है जिन्होंने मीडिया छोड़ दिया और उन्होंने अपने नए रास्ते खोजे कि हम कुछ और करते हैं। और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि ये जितने लोग हैं जिन्होंने छोड़ दिया मीडिया, या तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं अभी या वो कुछ और कर रहे हैं, जैसे एक तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, शी वॉज प्रोड्यूसर विद मी, मेरा शो का इतना अच्छा प्रोड्यूस, मतलब इतना अच्छा प्रोड्यूस मेरे शो का, कैसा बोल रहा है भाई मैं दादा, मेरे को थकान है, मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले से। तो शी वॉज अ ग्रेट प्रोड्यूसर, और मेरा जब भी मेरे बॉस से, वो फीमेल बॉस से लड़ाई होता था, तो शी वॉज लाइक, वो क्या होती है ना घर पे एक एक महिला होती है जो सास और बहू के बीच में चीजें ना बिगड़े उसका प्रयास करती है, उसको ननद बोलते हैं या कुछ तो ही बोलते हैं, लाइक अ बफर। तो शी, अरे नहीं ऐसा मत बोलना नितिन, क्यों क्यों तेरे को इतना बोलना है यार, ऐसे बात मत करना उनसे, वो उसको भी फीमेल बॉस को भी कि मैम जाने दीजिए ना, वो नया है, एंड ही इज लाइक वो ऐसे ही बोलता है, वो खड़ा बोलता है बिल्कुल, उसको उसको नाइसिटी नहीं पता। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी गलत करने के लिए बोलेंगी तो मैं गलत थोड़ी करूंगा, वैसा मतलब वो बहुत ही मेरे को हेल्प करती थी। उसका दादा मैं देखा प्रोफाइल और मैं बस उसके जाके बस उसके वॉल पे लिखा पद्मिनी, एंड शी इज लाइक रिवर्टेड, और उसने भी बहुत अच्छा जवाब दिया वापस कि नितिन, और वो मतलब शी इज हैप्पीली मैरिड, और उसने दादा अपना शायद हॉबी को अपने प्रोफेशन में बदल लिया है, और वो क्लासिकल डांसर बन गई है। ओके, वो आपने साउथ इंडिया का डांस देखा है, पता नहीं मुझे नाम नहीं पता, लेकिन वो जो इसमें पूरा ऐसे चेहरे पे मेकअप होता है, वो ऐसे देखिए पेंट किया जाता है चेहरे को और वैसा करके, तो वो उसके शोज कर रही है और इतनी खुश दिख रही थी उसमें वो। ऐसे एक और केस है जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहता क्योंकि हम दोनों बहुत ज्यादा अच्छे टर्म्स में नहीं थे, पता नहीं क्यों हमेशा उसकी तरफ से चीजें ऑकवर्ड थी, एक मेल आरजे है, ही वॉज सिवियरली ओवरवेट दादा जब तक वो रेडियो में था, रेडियो के बाहर वो बाहर निकला, शायद एक दो साल उसने स्ट्रगल किया और फिर कुछ अपना खुद का काम शुरू किया, और वो लीन हो गया दादा, बिल्कुल बिल्कुल फिट हो गया है वो, उसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल जैसा, यानी मतलब एक नॉर्मल एडल्ट का होता है बिल्कुल, उसका जो जितना ओबेसिटी था वो निकल गया, यानी वो काफी है ना ऐसा बड़ा सा चौड़ा सा दिखता था, मतलब अलग से जैसे जिनको कह सकते हैं ना कि यार ये तो ओबीस है, मतलब उसका इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन दिखा। मैंने मेजोरिटी ऑफ द पीपल जिन लोगों ने रेडियो से अलग रास्ता लिया या मीडिया से अलग रास्ता लिया, दे आर हैप्पी दादा, उनकी आंखों में एक ग्लो है, एक चार्म है, जो भी वो कर रहे हैं उसमें खुश है, और जो लोग वहां पे ही है उनमें मैं अलग सा वही देख रहा हूँ दादा, वही उसी जमाने के जैसा, वो बंदिश बेचारे अभी भी, यानी मतलब बहुत ही फंसे हुए प्रेशर में, वैसा समझ में आता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि भाई मीडिया से बाहर निकल के लोग एक्चुअली दे आर अपीयरिंग टू बी मोर हैप्पी, व्हाई इज दिस सो, भाई ऐसा कैसे हो सकता है? आई डोंट थिंक ऐसा कंक्लूजन लाना ठीक होगा, बिकॉज यू नो जो लोग मीडिया में काम कर रहे हैं वो भी खुश हैं अपने तरीके से। सी एसेंशियली यू शुड डू व्हाट यू लाइक डूइंग, सब्जेक्टिव, एक बहुत सब्जेक्टिव ओपिनियन है तुम्हारा कि नो यू फील कि नो जो मीडिया के बाहर है खुश है, मीडिया में दुखी है, आई डोंट थिंक सो। पीपल हु एसेंशियली जो लोग बाहर निकल गए मीडिया से बोल पर वो गए, उनको जो अच्छा लगता है वो करने गए, दे परस्यूइंग समथिंग विच इज लाइक, यू आर डूइंग समथिंग दैट यू लाइक and they are doing something they continue to like, you know, so everybody has their own choice and you know parameters or
things to like and dislike. But it's your opinion, so you know, obviously you feel that aisa hai to aisa hai, and I'm not disputing that. But is waqt main dekh raha hu ki itni zor ki hawa aayi, main terrace pe aise baatein kar raha hu. क्या बात. आई कैन सी, आई डोंट नो देखो मेरे माइक से हवा की आवाज आ रही है कि नहीं आ रही. बहुत हल्की सी, बहुत हल्की सी, बॉदर नहीं हो रहा है सर. हाँ, तो मतलब वही ऐसा, मतलब मैंने वो एकदम चेस्ट के पास रखा है मेरा माइक. बट आई कैन सी विजुअली कि बहुत भयंकर बरसात हो रही है. आई कैन बैरली सी दो तीन बिल्डिंग दूर. अच्छा, मेरे को एक चीज बोली, आपके घर से समुद्र दिखता है क्या? मेरे घर से नहीं दिखता, पर इट्स वेरी क्लोज टू माई होम. क्या बात. तो बट ऑब्वियसली वहां जाना अभी इम्पॉसिबल होगा. बट आज एक बड़ी अच्छी चीज हुई नितिन, वो ये कि डीआरडीओ की जो दवाई थी, पता है, बात कर रहे थे, उसका ऑफिशियल लॉन्च हो गया है. राजनाथ सिंह सर ने किया उसको. हाँ, मैंने पॉइंट नोट करके रखा, प्लीज बोलिए. हाँ, नहीं तो वही, दैट इज गुड, बिकॉज डीआरडीओ जो हम समझते थे कि यू नो आर्मी की यू नो मिलिट्री की वो चीजें बनाता है. हाँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. हाँ, करेक्ट. लेकिन वो दवाई बनाया, विच इज गुड, और ऐसी दवाई बनाया कि मतलब कल से मुझे लगता है कि 10,000 उसके यूनिट्स बिकना शुरू हो जाएंगे दिल्ली में. और उसके रिजल्ट्स बड़े एनकरेजिंग है, बिकॉज यू नो ऑब्वियसली वो लेने के बाद में, इट्स इन पाउडर फॉर्म, तो दवाई लेने के बाद में पानी में यू डिपेंडेंसी जो है आपकी ऑक्सीजन की कम हो जाती है. सो आई थिंक ये एक और यू नो इंडियन मेड दवाई है. सो आई थिंक व्हाट मोदी जी कहते हैं ना, आत्मनिर्भरता, ये एक माइंड सेट है. इट इज नॉट अबाउट कि यू नो इंडिपेंडेंट इंडिया कल से विल बी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट. बट एक सोचने का तरीका है कि अगर हम आज शुरू करेंगे टू बी इंडिपेंडेंट, टू मेक एवरीथिंग इन हाउस और टू मेक एवरीथिंग ऑल्सो इन हाउस, देन आई थिंक मे बी 10 years, 15 years डाउन द लाइन विल बी रियली रियली यू नो आत्मनिर्भर. नहीं, मैं उस समय मैं आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट कि ये जैसे ही हमने तो पहले इसको कवर कर लिया था जब किसी ने इसकी बात भी नहीं की थी. और मैंने आपको बताया था कि क्या ये वही संजीवनी बूटी है जिससे पूरा विश्व ठीक हो सकता है. और जो आज भी मैंने जो उसके राइटअप्स पढ़े हैं बहुत ही इंकरेजिंग है कि कोविड में रिकवरी भी बहुत जल्दी हो रही है. और दूसरा पॉइंट ये है कि ऑक्सीजन और स्टेरॉइड्स के जो थोड़ा सा यूज किए जा रहे थे उनकी डिपेंडेंसी भी कम होगी. और मुझे बस वही लगता है कि दिस शुड बी प्रमोटेड, दिस शुड बी सीन एज अ वेरी गुड अचीवमेंट, वेरी बिग अचीवमेंट. और थोड़ा सा हमारा वो जो चाइना बायोलॉजिकल वॉर और ये सब थ्योरी को भी ये थोड़ा सा एक स्ट्रांग सपोर्ट देता है कि किसी दवाई की कंपनी को ये काम नहीं दिया गया, हमारे यहाँ का जो डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसको ये काम दिया गया कि भाई ये जो फैलाया गया है जरा इसके बारे में कुछ बनाइए आप एंटीडोट टाइप का कि हम जैसे कम कर सके. राइट. तो देखिए कितना स्ट्रेटेजिकली हुआ ये, और कोई कंपनी इसमें आगे नहीं आई इस तरह की दवाई में. नहीं नहीं नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यानी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और उनके जो सलाहकार हैं, हम किसी एक आदमी की बात नहीं कर रहे हैं, इट इज पूरा कहते हैं कि पूरा ये शिप है जो शिप या तो तैरेगा एक साथ और डूबेगा एक साथ. तो इसमें उन्होंने जो भी एडवाइस उस समय पे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पिछले साल मई में इसका काम शुरू हो गया था और जो भी उस समय चर्चाएं हुई हो, तो बाकी लोग तो पता नहीं क्यों ये बात भी नहीं करना चाहते, पूछना भी नहीं चाहते, जानना भी नहीं चाहते कि भाई ऐसा कैसे कदम लिया भाई ये सरकार ने कि बोले ऐसी कोई दवाई की तरफ भी आप सोचिए, डेवलपमेंट करिए. नहीं, आई थिंक आई फील कि लोग बात करेंगे इसके बारे में जब ये दवाई लोग कंज्यूम करना शुरू कर देंगे मास में, तो इसके रिजल्ट्स दिखेंगे. आई थिंक दैट इज द टाइम व्हेन पीपल विल टॉक अबाउट इट एंड दैट इज द टाइम द वर्ल्ड विल टॉक अबाउट. बिल्कुल दादा, और बस हम तो यही चाहते हैं कि भाई अच्छे से अच्छा वर्ल्ड से हमारे पास आए, हम भी वर्ल्ड को अच्छे से अच्छा दें और एक रिस्पेक्ट का रिलेशनशिप ऑल ओवर बने. भाई सुनिए, आप हमसे बड़े होंगे, हम आपसे छोटे होंगे, पर सम्मान तो अपन बराबर का दे सकते हैं ना एक दूसरे को. ऐसे एब्सोल्युटली. बट इट जस्ट दैट कि यू नो लेट्स जस्ट चेंज ट्रैक टू कोविड से लेके टू समथिंग वेरी डिफरेंट. अब ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसकी शुरुआत हुई थी 1977. मतलब हमारे पैदा होने से काफी पहले. अच्छा. तेरे पैदा होने से काफी पहले. और इसका नाम था वॉयजर 1, जो एक स्पेस लॉन्च प्रोब था. अच्छा. जो अमेरिका ने लॉन्च किया था. दो लॉन्च किए थे, वॉयजर 1, वॉयजर 2. वॉयजर 1 पहले गया था
तो आइडिया वॉज कि वो पहला स्पेस प्रोब होगा जो जुपिटर सैटर्न नेपच्यून को क्लिक करते हुए अब हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकल जाएगा। अच्छा, तो सेम टू वॉयजर 2 का भी वही काम था। पर मैं ये अब क्यों बोल रहा हूँ, इसका रीजन ये है कि वॉयजर 1 जो 47 इयर्स पहले छोड़ा गया था वो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर चला गया है अभी कंप्लीटली। और वो कहते हैं ना इंट्रास्टेलर स्पेस होता है ना, जो उसमें बहुत बहुत गहरे सन्नाटे में चला गया, मतलब क्या बात। पर वहां पे भी कुछ आवाजें आ रही हैं। अच्छा, इतने गहरे डार्क सन्नाटे में भी आवाजें आ रही हैं, वो आवाजें नासा को मिल रही है, वो लोग स्टडी कर रहे हैं एंड यू नो उस पे और एक्सपांड होगा आगे जाके। लेकिन इमेजिन कि फॉर अ सेकेंड लीव कोविड, लीव दिस ट्रॉपिकल थंडर स्टॉर्म जो मुंबई में दूर कहीं स्पेस को दूर रात को दूर छोड़ते हुए हम वहां स्पेस में चले जाते हैं। यूजुअली हमारे यहाँ पे एक सेलफोन 2-4 साल चलते हैं। हाँ, फिर से बोलिए थोड़ा सा। हमारे यहाँ पे सेलफोन जो है 2-4 साल चलते हैं, गाड़ियां चलती है 8-10 साल। बट एक ऐसा प्रोब बनाया था अमेरिका ने जो 45 इयर्स तक काम कर रहा है स्पेस के अंदर और अभी तक हमें रिपोर्ट दे रहा है वहां पे। और वो जो स्पेस जिस बात कर रहा हूँ वॉयजर 1 की, वो 20 बिलियन किलोमीटर्स दूर है हमसे। और यू नो वहां पे एक मैसेज भेजने के लिए भी वो 21 घंटे लगते हैं। क्या बात है दादा, 21 घंटे लगते हैं और वो मैसेज वापस आता है 21 घंटे बाद। तो ऑलमोस्ट यू नो 48 आवर्स टेक्स फॉर इट टू गो एंड बैक, 2 दिन लग जाते हैं उसको। एंड 2025 तक उसकी डेडलाइन है, मतलब ड्यू डेट है, उसके बाद में वो बंद हो जाएगा उसके। तो उसकी जो शक्ति, उसके जो पावर मिलता है उसके में, उस प्रोब के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियर स्टेशन बना दिया उन्होंने, छोटा सा मिनी। उसमें से पावर मिलते हैं उसके सारे अपैरेटस को। बट बिकॉज इतनी दूर जा रहा है, उसकी पावर कम हो रही है, तो 2025 के बाद में उसको स्विच ऑफ कर देंगे, फिर वो स्पेस में तैरता रहेगा। हाँ, डेब्रिस बन जाएगा। सही है, डेब्रिस नहीं, वो मे बी 300 साल बाद किसी नए सोलर सिस्टम में जाएगा जहाँ पे उसकी यू नो मुलाकात। एक्टिव रहेगा यानी मतलब वो एक्टिव रहेगा बट मैसेज नहीं दे पाएगा। उसके अंदर उन्होंने कुछ यू नो डिस्क वगैरह रखी हैं टू टेल कि हम कहाँ से आए हैं, हम कौन हैं, इंसान कौन है, ऐसा लिखा है। तो अगर किसी एलियंस को मिला तो यू नो कार्ल सेगन ने उसकी डिस्क की यू नो डिजाइन बनाई थी। इट जस्ट गोज ऑन टू प्रूव दैट यू नो कि व्हाट अ वास्ट द होल यूनिवर्स इज, यू नो हम कितने छोटे हैं पूरे गेम में, इस गेम में कितने छोटे हैं। और अभी अकेले हैं, पता नहीं वो कैसा दिन होगा जब हमको पता चलेगा कि भाई हमारे जैसी एक इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म और भी है, वो हमसे आगे है या पीछे है, वो तो खैर पता चलेगा, लेकिन कितना जोरदार होगा। वैसे मैं आपको आज में पढ़ रहा था एक आर्टिकल, ऐसे आर्टिकल में ज्यादा नहीं पढ़ता, लेकिन एक ने लिखा हुआ था मतलब किसी बड़ी वहां की अमेरिकन वेबसाइट ने कि मार्स पर एक्सीडेंटली क्या नासा ने लाइफ खुद पैदा कर दी है। और ये एक फिल्म में भी क्योंकि दिखाया है उन लोगों ने, तो मैं बोला यार ये लोग क्या कर रहे हैं भाई, ऐसी फिल्में बनाना बंद कर दो जो रियलिटी हो जाती है। कि जैसे मतलब कंटेजियन ये लोगों ने 2013-14 में बनाया था, तो ये कोरोना हो गया साला। नहीं, मुझे तो पूरा यकीन है कि नितिन टू कट यू कि वहां पे लाइफ है मार्स में। नो गो अहेड एंड कट मी ऑफ प्लीज, बिकॉज यू नो द रीजन बीइंग बिकॉज यू नो अगर आपने वो अगेन वही 70s में पहला मार्स में प्रोब लैंड किया था जमीन पे, वहां पे फोटो निकली, तो अगर उस वक्त अगर उनको कुछ मिला नहीं था वहां पे, तो बार बार क्यों वहां पे जा रहे हो आप। ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ से बैक्टीरिया वगैरह लेके गए थे और शायद वो रिलीज कर दिया हो और वो बैक्टीरिया या जो भी लिविंग सब्सटेंस था उसने अपने आप को अकोमोडेट कर लिया है वहां पे। ओके, और ये क्योंकि एक्चुअली एक फिल्म में दिखाया हुआ है, वो फिल्म खैर बहुत ही बकवास थी, अच्छे बड़े टॉप स्टार्स को लिया था, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम, लेकिन भाई ऐसी पिक्चरें और ऐसा लिखना बंद करो भाई तुम लोग जबरन को बसा रहे हो पूरे ह्यूमन रेस को मतलब। बाय द वे WHO ने एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टडी की है, क्योंकि हम मीडिया की अभी बात की है, जो लोग बाहर हैं मुझे तो लगा था वो खुश है, ठीक है, दे आर लिविंग द लाइफ। इनफैक्ट एक पुराने पत्रकार है अपने, उन्होंने भी सब छोड़ दिया है और शायद खुद का एक न्यूज़पेपर टाइप का चालू किया छोटा सा, और उसमें वो बड़ा अच्छा करते हैं। मैं देखा हर दिन वो बोलते हैं जो भी खबर होती है ना उसमें लोगों का ओपिनियन लेते हैं फेसबुक पे। ओके, कि अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि बोले कि 18 प्लस के लिए कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने ये कराने की कोशिश की है तो आपको क्या जवाब मिला है,
लिखिए, तो ही इज डूइंग द वर्क जो जो वर्क एक करना चाहिए जर्नलिस्ट को, नहीं कि भाई इस चीजें एक जजमेंट पास कर देने से बेहतर है इज मतलब रोज आके वो जो भी गर्म मुद्दा चल रहा होता है उसके ऊपर ही ट्राइज टू जनरेट डेटा, फिर कोई हम कंक्लूजन किया। तो WHO ने आज एक स्टडी बताया कि बोले जो लॉन्ग वर्किंग आवर्स का जो कल्चर डेवलप हो गया है लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। नहीं एक्चुअली आई टेल यू कि जो लॉन्ग वर्किंग आवर्स जो हम कहते हैं ना, इट इज इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। अच्छा, जरूरी नहीं कि हर इंडस्ट्री में लॉन्ग वर्किंग आवर्स है। देयर आर सम इंडस्ट्री जिसमें लॉन्ग 8 आवर्स की वर्किंग आवर है जो नॉर्मल होती है, बट देर आर सम इंडस्ट्रीज की आपको ज्यादा टाइम देना पड़ता है इन द डे, 10-12 घंटे भी देने पड़ते हैं। तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्री। आईटी इंडस्ट्री में इतना नहीं है, मीडिया में ज्यादा में इंटेंस है। इनफैक्ट आईटी इंडस्ट्री के मैं आपको एग्जांपल देने वाला था, वहां मैं अपने फ्रेंड्स से सुनता हूँ वर्किंग शेड्यूल पूरा 9 बजे से लेके सुबह में दे मतलब 7-8 उनको बच जाता है वहीं अपने प्लांट में या फिर जिस भी वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करते हैं, और उसके बाद व्हेन दे कम होम दे जस्ट ईट एंड दे जस्ट गो टू स्लीप। तो लाइफ में तो बहुत लॉन्ग, यानी कहने का मतलब ये लंबा ही हो गया ना दादा, सुबह 9 बजे से अगर आप 7-8 बजे तक ऑक्यूपाइड हो सिर्फ काम में, उसके बाद बचता ही कितना टाइम है। नहीं बट मैम डोंट यू थिंक हम मीडिया में तो हम उतना काम करते थे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी 9:30 बजे घर पे ऑफिस आते। मेरे को लगता था दादा अपने आवर्स कहने के लिए तो कम थे, लेकिन इट वाज हर समय मन जो माइंड के चक्षु होते थे वो खोले रहते थे कि यार ये इंटरेस्टिंग है, इसको देख सकते क्या, इसको बोल सकते क्या, तो वो अपना एक अलग ही प्रॉब्लम है। नहीं बट एज लॉन्ग एज सी इफ यू एंजॉय समथिंग यू वोंट फील द स्ट्रेस। हाँ बात यही है दादा, अगर मान लो कुछ चीज एंजॉय नहीं करते हो तो एक घंटा भी करोगे तो आप बोर हो जाओगे, बट इफ यू एंजॉय समथिंग look at Devanand, look at Clint Eastwood, you know, look at our president APJ Kalam, they continue to work till the end, you know, I mean Clint Eastwood is 90 years old, 89-90 years, so what he's directing movies. Devanand bhi till the end he was directing movies, aur hamare president the, you know, wo bhi matlab kafi end tak lecture de rahe the. So it boils down to what you like. अगर आपको कुछ पसंद नहीं है तो फिर यू विल हेट डूइंग इट। हाँ ये भी एक बड़ी जरूरी बात है, सही बात है कि भाई आप पसंद करो उस काम को जो आपको करना है एज अ जीविका। आई मीन स्टीव जॉब्स के मैंने 2-3 बड़े वीडियो देखे थे यूट्यूब में, एंड वो बताते थे कि वो किस तरह से सुबह उठते थे, दिन भर काम, इनको मिल रहे हैं, उनको मिल रहे हैं, दिन भर रात भर काम करते रहते थे वो, बट ही नेवर गॉट टायर्ड बिकॉज ही लर्न व्हाट ही लाइक। You know, हम भी जो आज भी देखते थका हुआ है तू, राइट, बट ये जैसे ही कॉल आया तो यू गॉट चार्ज्ड अप, राइट? वो तो है दादा। Exactly, this is what, because you like doing this, I like doing this, no matter how tired we are, हम शायद आगे पीछे हो सकता है, शाम के लिए हम तो लेट रिकॉर्ड करें, बट वी विल डू इट एवरी डे, ये तो है दादा, because we like doing it. By the way, आपकी विद्या बालन is coming back, उसकी एक फिल्म आ रही है श्रेणी, okay. और अच्छी लग रही है, फोटो मैं देखा, अच्छी लग रही है, और इसको डायरेक्ट किया है अमित मसूरकर ने। ओके, ये नाम सुना है क्या आपने? नहीं, कब आ रही मूवी है, मतलब ये OTT पे आ रही है कि थिएटर में? हाँ हाँ वैसे ही कुछ है, और 2017 में ये अमित ने ना न्यूटन नाम से कोई फिल्म बनाई थी। अच्छा, हाँ न्यूटन, हाँ राइट राइट, वो तो अच्छी फिल्म थी। अच्छा, ये आई मीन विद्या बालन इज एन अमेजिंग एक्ट्रेस, वो खुद का करती है, शी डज हर ओन लेड रोल्स, खुद का एक उन्होंने अपना एक स्पेस बना लिया है, तो मतलब शी इज डूइंग वेरी गुड इन दैट। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, और मैं इसीलिए बोला क्योंकि वो न्यूटन फिल्म मेरे को कई लोगों ने बोला जरूर, लेकिन आपको पता है वो 2017 में तो मेरा साधुवाद चालू था, तो उस समय पे जितना कुछ भी हुआ है, मैंने तो आपको बताया कि वो अवेंजर्स एंड गेम मैंने अभी देखी है 4 साल पहले, तो आई हैव लॉट ऑफ कैचिंग अप टू डू। और ये जो इसका नाम सुना है क्या आपने, गौतम गुलाटी का? Yes, सुना है, पर आई डोंट आई कैन कनेक्ट विद इट, नाम सुना है। गौतम गुलाटी ये राधे में भी कहीं पे था, okay. तो मैं देख रहा था कि आज उसकी एक स्टोरी डली हुई थी कि कोई सीन तो भी गौतम, आपने देखी है ना राधे? हाँ मैंने राधे देखी, ये बहुत डेयरिंग वाला सवाल तूने मुझे पूछ लिया है, बिकॉज IMDb उसको माइनस में रेटिंग देनी दे रही है, इतने लोग उसको बोल रहे हैं कि मत देखो, बोर हो गए हैं, और तो मुझे अपेक्षा करता है कि मैं जाके देखूं तो यू नो
आई विल वेरी डेड एबल टू डू दैट. एक तो मूवमेंट भी चल रहा है फेसबुक पे कि भाई कुछ तो भी कर दिया बोले, और मैं दिस गाय हैज बीन प्रोटेक्टेड फ्रॉम राधे, ऐसा करके कुछ तो भी एक. इनफैक्ट राधे का मैं आज पेपर पढ़ रहा था कि राधे जो मूवी है इट गॉट लीक्ड इन, उसको लीक, इट गॉट लीक्ड ऑनलाइन. अच्छा, तो वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे तो है बट लोग उसको यू नो लीक मतलब वो डाउनलोड करके भी देखते टॉरेंट वगैरह से. तो इसके सलमान खान बड़े नाराज हो गए. वो द प्रोड्यूसर्स यू नो दे हैव लॉन्च्ड अ कंप्लेंट विद साइबर पुलिस, और सलमान खान वॉर्न कर रहे हैं कि अगर किसी ने डाउनलोड करके इलीगली देखी तो साइबर क्राइम उसको छोड़ेगा नहीं एंड ऑल दैट. पर अभी वो अगर लीक हो गई है तो हो गई है, दैट इज इम्पॉसिबल टू ट्रैक डाउन. यू नो कि वो आजकल मैंने देखा है, मैं इनफैक्ट लास्ट जब 2017-18-16 बल्कि उस समय ना, तो ये लोग हॉलीवुड वाले भी करते हैं, तो व्हाट दे डू कि वो लोग अपने लेवल पे ये जो भी साइबर सिक्योरिटी लॉज वगैरह की जो अथॉरिटी है उनको वो पहले से बोल के रखते हैं कि भाई हमारी ये पिक्चर आ रही है, आप मेक श्योर करिए कि 3 से 4 दिन कम से कम टॉरेंट पे जब भी चढ़ेगी तो उतर जाएगी मतलब. ओके, तो उसमें उतना ही कर सकते हैं बस. वो शुरू के बस 1 हफ्ते नहीं चढ़ने देते हैं कि जैसे ये लोग, जैसे अवेंजर जा रही है ना, तो अवेंजर्स को नहीं चढ़ने देते हैं वो लोग. नहीं, बट देर आर फिल्म दैट यू विल नेवर वॉच इट. आई मीन राधे तो मैं जाके कहीं देखूं ही नहीं अगर मुझे बिठा के पैसे दे तो. लेकिन देर आर लाइक एवेंजर फिल्म है, स्टार वॉर्स है, ये फिल्म तो आप जाके थिएटर में देखना पसंद करोगे. ऑनलाइन क्यों दोगे आप यार? आई मीन दिस ऑफ कोर्स इनको थिएटर में भी देखना चाहिए, ओटीटी में देखना चाहिए, पर वो एक लॉस हो जाता है अगर वो पहले ही निकल जाए. तो इतना ही कर सकते हैं चैनल्स मेरे ख्याल से जिसके थ्रू वो लोग रीच करते हैं, और ये जितने भी जो पॉपुलर टॉरेंट साइट्स हैं उन पे अगर कोई भी अपलोड करता है तुरंत डिलीट हो जाता है. मतलब इसमें वो टॉरेंट वाले भी कोऑपरेट करते हैं मतलब अथॉरिटीज को. हाँ, मतलब चोरी भी करते हैं तो सोच समझ के हैंडलिंग लोग. सही है. और तो वो गौतम गुलाटी की बात इसलिए बोला मैं आपको कि उसका एक स्टोरी आया और उसमें उसने लिखा हुआ है कि गौतम गुलाटी का साथ सलमान का कोई फाइट सीन होगा, उसमें गौतम गुलाटी ने गलती से सलमान भाई को मार दिया, तो फिर उसने सलमान से माफी मांगी बोले, और ये स्टोरी बना के डाली गई. ये तो प्लांटेड है, आई मीन इसमें कौन सा बड़ा, वो फाइटिंग में एक दूसरे को लगती रहती है तो उसे कौन सी बड़ी बात होगी यार. नहीं, पर वो अब क्योंकि दे वॉन्ट पीपल टू टॉक अबाउट द फिल्म ना, तो इसलिए ये स्टोरी आई और फिर माफी मांगने वाली बात भी हमको बोला. लेट्स सी, हम बात करके कुछ निकाल पाए, पर इससे कुछ इंटरेस्टिंग निकला नहीं है. फिल्म से भी इंटरेस्टिंग कुछ नहीं निकला और उसकी फिल्म की गॉसिप से भी कुछ इंटरेस्टिंग नहीं निकला हमारे पास. अगर आप कुछ बनाओगे तो लोग गॉसिप करेंगे ना, उसके नेम भी फेल हो जाएंगे बिकॉज उसमें कुछ है ही नहीं. आई मीन आई थिंक इन द मूवी, आई मीन एज पर, आई एम नॉट सीन द मूवी बट एज पर व्हाट पीपल आर सेइंग, तो इट्स यू नो चलो अच्छा, इट्स यू नो आई तो जितने जल्दी लोग फोन उसको हादसे को भूल जाएंगे उतना अच्छा रहेगा सबके लिए. हादसे को भूल जाएंगे. चलिए बढ़िया है दादा, और बताइए और क्या कर सकते हैं. खबरों में तो हमारे पास इतना ही था बात करने के लिए. नहीं, इनफैक्ट आई वॉज वॉचिंग अ क्लिप फ्रॉम अ वेरी फेमस हॉलीवुड मूवी, वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड. अच्छा, क्विंटिन टैरेंटिनो की मूवी है ये. हाँ, दो साल पहले आई थी. ब्रैड पिट और लियोनार्डो डिकैप्रियो. तो इसमें दे टॉक अबाउट हॉलीवुड इन 60s, यू नो 70s कैसा था. तो उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है जहाँ पे ब्रैड पिट का कैरेक्टर है इज फाइटिंग यू नो हैंड्स विद, जो लड़ाई करती है ना विद ब्रूस ली. अच्छा. तो बड़ा वियर्ड सीन था, ब्रूस ली ऐसा आ रहा है अपने बारे में पढ़ाई कर रहा है ऐसा वैसा ये, और ब्रैड पिट उसको फाइट के लिए नो ललकारता है एंड दे हैव अ हाथ वनो हाथापाई हो जाती है उनका. अच्छा. तो ऑब्वियसली वो उठा के गिरा देता है यू नो, पहले ब्रैड पिट एक मार खाता है एंड देन उठा के ब्रूस ली को फेंक देता है गाड़ी पे. उतनी फाइट थी बट वो सीन इज शॉट वेरी नाइस बिकॉज जो बंदा जो ब्रूस ली की एक्टिंग जो किया है उसने इज लुकिंग एक्चुअली लाइक अ ब्रूस ली. तो जो छोटी सी क्लिप थी मैंने देखी तो मैं बोला चलो इसके बारे में बोलते हैं बिकॉज वो बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म थी. टाइम इन हॉलीवुड एंड सो लेट्स लीव इट टू दैट एंड आई थिंक वी शुड जस्ट कंक्लूड आवर डिस्कशन टुडे. बिल्कुल दादा, मैं थोड़ा सा बढ़िया आराम करता हूँ और उसके बाद अपन कल नए ताजा अपडेट के साथ कनेक्ट करते हैं. बिल्कुल, और धमाल करते हैं. दिस इज न्यूज़टेनमेंट टेलीविजन.